हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आज टेक्नोलॉजी टिक्स में। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि गूगल ड्राइव क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है और गूगल ड्राइव में फाइल कैसे अपलोड किया जाता है। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो बिना टाइम मिस किए वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल ड्राइव को यूज करने के लिए सबसे पहले हमको प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना होगा, लेकिन आजकल के बहुत सारे मोबाइल में गूगल ड्राइव ऑलरेडी इंस्टॉल आता है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, होम का है, स्टार्टेड, और यहाँ पर शेयर्ड, यहाँ पर फाइल्स का ऑप्शन आता है, और यहाँ पर आपको कोई भी एक गूगल अकाउंट से यहाँ पर लॉग इन हो जाना है। और उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ऑफलाइन का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन बैकअप सेटिंग और स्टोरेज का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आपको 15 GB का ऑनलाइन स्टोरेज देखने को मिलता है। आप यहाँ पे इस एक ईमेल आईडी पर 15 GB तक आप अपलोड करके कोई भी फाइल्स को सेफ रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल ये 0 KB यूज हुआ है, 15 GB पूरा अवेलेबल है। और यहाँ पर आप कोई भी मतलब फाइल, फोटो, वीडियो वगैरह जो भी आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी एक ऑप्शन आपको दिखता है सबसे नीचे, ट्रांसफ़र फाइल ओनली ओवर वाईफाई है। इसको आप इनेबल भी कर सकते हैं अगर आप सिंपली ओनली वाईफाई से बैकअप लेना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल डेटा से लेना चाहते हैं तो इसको ऑफ ही रहने दें। उसके बाद कैच फाइल, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, नोटिफिकेशन सेटिंग, बहुत सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम सिंपली आप चलेंगे आपको अपलोड कैसे करना है कोई भी फाइल। तो आप फाइल्स में आ जाके यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे प्लस का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फोल्डर बनाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर बना लेता हूँ, तो जैसे क्रिएट करेंगे एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अब उसके बाद इस पर क्लिक करके आप इस फोल्डर में कोई भी एक फ़ोटो या फिर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से गैलरी से या फिर फाइल मैनेजर से जो भी फाइल है आप इसको अपलोड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल गैलरी को चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर कोई भी एक वीडियो या फिर कोई भी है सिंपली एक लेके यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपलोडिंग शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आप जो भी फाइल अपलोड करते हैं वो हमेशा के लिए आपके साथ रहता है, इस ईमेल आईडी में ऑनलाइन सेव रहता है। अगर आप डिवाइस चेंज भी करते हैं, इस ईमेल आईडी को दूसरे मोबाइल पे लॉगिन कर देते हैं, तो ये आपका कोई भी डिवाइस आपका हो उस पर ये पहुँच जाता है। देखिए ये अपलोड कम्प्लीट हो चुका है। अब ये अपलोड हुआ हुआ वीडियो आपको आपके पास हमेशा रहेगा, जब तक ये ईमेल आईडी रहेगा आपके पास ये वीडियो सेव रहेगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब जो भी इम्पोर्टेंट फाइल है आप यहाँ पे सेफ रख सकते हैं। यहाँ पे आपका फाइल करप्ट भी नहीं होगा और जैसा ओरिजिनल साइज में आपको यहाँ पे सेव होता है। तो दोस्तों गूगल ड्राइव कुछ इसी तरीके से यूज किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोजाना इस चैनल पर कुछ नए टेक्नोलॉजी टिक्स की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।